दुनिया के सबसे रईस आदमी एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर क्या खरीद लिया। ट्विटर पर तो उथल पुथल मच गई है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि एलन मस्क ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में अपने कर्मचारियों के लिए बिस्तर लगा दिए हैं। मस्क ने अपने कर्मचारियों से दिन रात काम करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। साथ ही ट्विटर के हेडक्वार्टर में एक वॉशिंग मशीन भी लगा दी है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए ऑफिस में ही सोने और रुकने की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस बात पर हैरानी जता रहे हैं, लेकिन मस्क की कार्यशैली को जानने वाले कहते हैं कि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। उनमें काम करने को लेकर जुनून है और वो ट्विटर के कर्मचारियों से भी इसी तरह का जुनून चाहते हैं। लोग बताते हैं कि मस्क को छुट्टियों से नफरत है। इसकी वजह ये है कि एक बार वो छुट्टी के कारण मौत के करीब पहुंच गए थे। आज इस वीडियो में उसी दिलचस्प किस्से को जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल एक किताब में मेंशनड एक वाक्य के हिसाब से साल 2000 में मस्क ने कई साल बाद पहली छुट्टी ली थी। वो परिवार के साथ 2 हफ्ते की छुट्टी पर गए थे। पहले वो ब्राजील गए और दूसरे दौर में वो साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका में मस्क को मलेरिया हो गया था। वो उस तरह का मलेरिया था जिससे दुनिया में अधिकांश मौतें होती हैं। जनवरी में मस्क कैलिफोर्निया लौट आए। उनकी हालत गंभीर होती गई और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उनकी पत्नी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर उनकी बीमारी का पता ही नहीं लगा पाए। डॉक्टर ने उनको दूसरा हॉस्पिटल रेफर किया। उस हॉस्पिटल में एक नया डॉक्टर आया जिसने मलेरिया के केसेस देखे हुए थे। वो तुरंत समझ गया कि मस्क को मलेरिया है। बाद में डॉक्टर ने मस्क से कहा कि अगर एक दिन भी देर हो जाती तो उन्हें बचाना मुश्किल होता। मस्क 10 दिन तक आईसीयू में रहे। मस्क को इस बीमारी से पूरी तरह उभरने में 6 महीने लग गए। उनका वजन 45 पाउंड तक गिर गया। मस्क कहते हैं कि मैं मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। छुट्टी को लेकर मेरा सबक है ये, छुट्टियां आपको मार देंगी। कहने वाले तो ये भी बताते हैं कि मस्क 16 से 20 घंटे तक काम कर लेते हैं, और कई दिन ऐसे होते हैं जब मस्क कहते हैं कि अगर उन्हें 23 घंटे भी दिन में काम करने के लिए कह दिया जाए तो मस्क 23 घंटे काम कर लेंगे। कुछ इसी तरह की एक्सपेक्टेशन मस्क को अपने ट्विटर के एम्प्लॉय से भी है। खैर, मस्क साफ कहते हैं कि उन्हें छुट्टियों से नफरत है और वो छुट्टियां बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते, और अपने एम्प्लॉयज को वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में भी छुट्टियों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और मस्क अपने ट्विटर के एम्प्लॉयज को भी छुट्टियां लेने के लिए कभी भी कहते नहीं हैं, और वो हमेशा कहते हैं कि छुट्टियां आपको मार देंगी, ज्यादा से ज्यादा समय ऑफिस में रहो। खैर, एलन मस्क जैसे काम करते हैं वो उनके लिए वर्क करता है, ये हमने देखा उनके सक्सेसफुल बिजनेसेस में। लेकिन एलन मस्क की इस वर्क पॉलिसी पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।